हाँ एक बार चलो करो करते है ना शाम को बात करते तैयारी करो आप आज हमारा संयुक्त प्रोग्राम अखिल भारतीय किसान सभा कच्ची बस्ती फेडरेशन आदिवासी एकाधिकार मंच सभी जन संगठनों की ओर से हमारा एक 28 तारीख को एक प्रदर्शन करके निरंतर हमारी मांगों को रखने के लिए आज हम शामिल हुए हैं। साथियों, ये भाजपा की सरकार, भाजपा आरएसएस और बड़े पूंजीपतियों की जो गठबंधन सरकार है, ये सरकार देश की आम जनता के ऊपर कोई नजर नहीं है, इस सरकार की नजर है जो वो बड़े पूंजीपतियों के ऊपर जा रही है, गरीबों के ऊपर नहीं। जी गुमान जी, किस मांगों को लेकर किन मांगों को लेकर आज आए? आज पेमेंट पूरा दिया नहीं जा रहा है। उदयपुर में महंगाई तो हमेशा बढ़ती जा रही है, लेकिन मजदूरों के पेमेंट नहीं बढ़ रहे हैं। मजदूरों के मजदूर विरोधी कानून बनाए जा रहे हैं, निराश करते हैं। किसान विरोधी कानून बनाए जा रहे हैं, वन विभाग किसानों के हमले हो रहे हैं। और आज सभी आरक्षण के नाम से हमारी कच्ची फाइलें जमा करा रखी है, लेकिन पट्टे नहीं दिए गए। उस मांग को लेकर पट्टे नहीं दिए गए हैं। साथ में हमारे उद्योग में जो ठेले वाले आज वन अधिकार कानून को मिल गया वालों के लिए, लेकिन आए दिन ठेले हटाना, उनका सामान जब्त करना और कृषि करना नहीं जा रही है, रसीद नहीं देना, कृषि नहीं करनी जा रही है, मौके पर दो हजार का चालान काटने के बाद में उनका माल पूरा नहीं मिल रहा है। इसके अलावा हमारे जो जिस इलाके के जो प्रतिनिधि आए आदिवासी इलाके से, उनके मुख्य रूप से मांगे वन अधिकार कानून में पट्टे दिए जाए। एक एक किसान ने फाइल भरी है, पाँच पाँच बार भरी, लेकिन वो फाइलों का पता भी नहीं है। लेकिन अभी सुना है कल परसों के साथ ने मीटिंग में ये कहा है सभी कर्मचारी और जो खाता वन विभाग वालों को कि भाई आदिवासियों के ज्यादा से ज्यादा पट्टा उसी कड़ी के साथ में आज हम आए हैं। जिला कलेक्टर महोदय से हम निवेदन कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमें जब एकाध नई आबादी या कृषि भूमि में मकान बनाए उनके भी पट्टे मिल गए, कन्वर्ट हो गया, लेकिन वर्षों से निवास कर रहे आज उदयपुर में तमाम कृषि बच्चों में उनको अभी तक पट्टा नहीं मिला। तो ये मांग के लिए आए हैं। मुख्य रूप से हमारी आज हमें विश्वास है कि प्रशासन हमारी गरीब जनता की आवाज़ सुनेगा और हमें विश्वास है कि ये प्रशासन और भी उदयपुर में पहली बार ऐसा प्रशासन देता है जो गरीबों की बात सुन के और समस्या का तुरंत हल करवाते हैं। हम उम्मीद लेके आए हैं उनके पास से और प्रशासन बाद में हम मिलेंगे। प्रशासन ने आज पाँच दिन चार दिन के बाद में प्रतिनिधि हमें मिलेंगे, कौन सी बात डिस्कशन होती है, उसी के साथ में आज का जो हमारा प्रोग्राम है आज हम करने आए हैं। ज्ञापन दे फसल को बर्बाद कर रहे हैं और उनके जानवरों को कर रहे हैं। आज हमारा जो कच्ची बस्ती फेडरेशन का जो जुलूस है, छह
ठेले वालों का वर्णाधिकार कानून का जो कार्यकर्ताओं का जुलूस निकाला है, वो जुलूस में यहाँ प्रशासन के गेट पे हमें देखने को मिला है कि आंगनवाड़ी की महिलाएं जो आज 7 दिन से लगातार संघर्ष कर रही है और लगातार संघर्ष करने के बाद में भी बाल बच्चे छोटे और इतनी धूप में संघर्ष करके अपनी मांग के लिए बैठी हुई है। प्रशासन हमारा निवेदन है कि तुरंत इन पे ध्यान देके इनकी समस्या को हल करेगा, हमें विश्वास है। अगर हल नहीं हुआ तो इनके पक्ष में हम भी इनका समर्थन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जिला कलेक्ट्रेट पर पट्टों की मांग को लेकर, ऑटो वाले की मांग को लेकर तमाम ये क्रेडिट कोऑपरेटिव के खिलाफ क्या है? क्रेडिट कोऑपरेटिव का जो है लगातार संघर्ष चल रहा है। हजारों लोगों के इस संभाग के पैसे दुर्गत खाते में चले गए। हम हमारे क्रेडिट जो संघर्ष समिति है, क्रेडिट कार्ड वाली जो संघर्ष समिति लगातार कोशिश कर रही है, आंदोलन कर रही है, कुछ पैसा दिलवाया भी है और कुछ तैयारी चल रही है। तो इसके साथ में प्रशासन और सरकार इस पर ध्यान दे और इनकी समस्या को दूर करवाए, ये भी साथ में भाई क्या कहना चाहोगे? आज ये जो यहाँ पर लेके आए हैं जुलूस में मुख्य मांगे ये ताकि वासियों को पट्टा दिया जाए, गरीब लोगों को, और जो सारा क्रेडिट कार्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है आदर्श वाली है, उन्होंने जो जनता का पैसा दबा रखा है, जनता का पैसा दिलाया जाए और लोगों के जो पहले वाले हैं जो दैनिक मजदूरी करते बेचारे मजदूर घर वाले गरीब लोग हैं जिनको नियमित किया जाए, उनको हटाया नहीं जाए, उनके लाइसेंस दिए जाए। सरकार जो उनके साथ जो करती है आए दिन उनको हटाना, उनको बेदखल करना, उनका सामान जब्ती करना, सामान का जब्ती की रसीद नहीं देना, उससे बहुत उनको तकलीफ होती है। इसलिए हमारा मकसद ये है मतलब जो भी गरीब लोग हैं जो अपना व्यवसाय कर रहे हैं उनको किसी को बेदखल नहीं किया जाए और उनका एक टाउन वेंडिंग कमेटी के तहत उनको एक स्थायी रोज जगह दी जाए, लेकिन नोट वेंडिंग जोन बनाया जाए उनके लिए। और जो हमारे आंगनवाड़ी वाली बहनें बैठी हुई है तो पिछले 7 दिनों से यहाँ संघर्ष कर रही है, जबकि राज्य सरकार ने इनका 15% जो मानदेय बढ़ाया है वो केवल जो राज्य सरकार जो बयान कर रही है मानदेय में 3,900 में उसमें 15% बढ़ाया है जो कि बहुत कम है। और जो 3,500 रुपये इनको सालाना देते थे अपने मोबाइल रिचार्ज के तो उसमें से 500 रुपये घटा दिए और इधर बढ़ा दिए, तो क्या उसको कोई फायदा नहीं हुआ? जबकि हम कहते हैं कि बहनों का 30% टोटल मानदेय पे बढ़ाया जाए, वो हर साल 5% बढ़ाया जाए जब तक कि नियमित राज्य कर्मचारी घोषित नहीं किया जाए। इसलिए हम इन बहनों का सपोर्ट करते हैं, अगर ये हमारा समर्थन लेती है तो हम जरूर उसको पूरा समर्थन करेंगे। इसके लिए धन्यवाद। देख सकते हैं जिला कलेक्ट्रेट उदयपुर से सीधा जहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है कम्युनिस्ट पार्टी और सभी नेता सभी माताओं बहनों।